नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका बिहार न्यूज में। मैं रत्नसेन भारती। आज हम बात करेंगे चंद्र ग्रहण के बारे में। मई महीने के 16 तारीख को लग रहा है इस साल का पहला चंद्र ग्रहण। इस चंद्र ग्रहण को लेकर यह भी बताया जा रहा है कि इसका असर भारत में कम देखने वाला है। इसको लेकर यह भी बताया गया है कि पूर्ण चंद्र ग्रहण होगा, यानी कि यह जो चंद्र ग्रहण होगा यह पूरी तरह से पूर्ण चंद्र ग्रहण होने वाला है। ऐसे में यह बताया जा रहा है कि इस साल केवल 2 चंद्र ग्रहण लगने वाले हैं और दोनों ही जो है पूरी तरह से पूर्ण चंद्र ग्रहण होगा। अगर हम इस साल के पहले सूर्य ग्रहण को देखें तो यह 30 अप्रैल 2022 को सबसे पहले, यानी कि सबसे पहला जो है सूर्य ग्रहण लगा था। इसके ठीक 15 दिन के बाद, यानी कि 16 मई को एक तरह से कह लें कि इस साल का सबसे पहला चंद्र ग्रहण लगने वाला है। हिंदी महीने के अनुसार अगर हम माने तो 16 मई 2022 को वैशाख माह की पूर्णिमा है। शास्त्रों की माने तो इस दिन लोग पवित्र नदियों में स्नान करते हैं और गरीबों को दान करते हैं। इसके बाद ये मान्यता है कि लोगों को इससे पुण्य की प्राप्ति होती है। मीडिया में चल रही खबरों की माने तो इस दिन चंद्र ग्रहण की शुरुआत सुबह 7:02 से शुरू होकर दोपहर के 12:20 पर समाप्त होगा। मीडिया में यह भी खबर चल रही है कि जिसमें यह कहा जा रहा है कि भारत में इस चंद्र ग्रहण का बहुत असर देखने को नहीं मिलने वाला है। हालांकि यह भी बताया गया है कि देश में दूसरा चंद्र ग्रहण 9 नवंबर 2022 को लगने वाला है। अगर हम विश्व में चंद्र ग्रहण की बात करें तो साल का पहला चंद्र ग्रहण दुनिया के कई देशों में दिखाई देगा। हालांकि यह भी बताया गया है कि इस चंद्र ग्रहण का असर भारत में बहुत ही कम होने वाला है। इस चंद्र ग्रहण को लेकर यह भी कहा गया है कि यह चंद्र ग्रहण दक्षिण पश्चिम यूरोप, दक्षिण पश्चिम एशिया, अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका के अधिकांश हिस्सों के साथ साथ दक्षिणी अमेरिका, प्रशांत महासागर, हिंद महासागर, अटलांटिका और अंटार्कटिका में इस चंद्र ग्रहण को देखा जा सकता है। जैसा कि हमने पहले ही आपको बताया है कि इस चंद्र ग्रहण का असर भारत में नहीं दिखने वाला है। यही बताया गया है कि इसका सूतक जो है वह भारत पे बहुत प्रभावी नहीं होगा। जिस दौरान इसका सूतक काल चलेगा उस दौरान जो है इस पे भारत का बहुत ही कम असर देखने को मिलेगा। चलिए अब जान लेते हैं चंद्र ग्रहण लगता कैसे है। तो ऐसे में आइए हम जानते हैं चंद्र ग्रहण लगता कैसे है। चंद्र ग्रहण को लेकर यह भी बताया गया है कि जब पृथ्वी सूर्य और चंद्रमा के बीच में आ जाती है और चंद्रमा पर पड़ने वाला सूर्य का प्रकाश पृथ्वी रोक लेता है, इस कारण से चंद्र ग्रहण की रोशनी नहीं पड़ती है। ऐसे में कहा जाता है कि यह तीनों ग्रह जब एक साथ एक सीध में एक रेखा में आ जाते हैं तो चंद्र ग्रहण लगता है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार यह भी कहा गया है कि ग्रहण के दौरान खाना पीना नहीं चाहिए। अगर इस दौरान खान पान यानी कि खाना अगर आप बना रहे हैं तो खाने के चीज़ों में जो है तुलसी के पत्ते डालने चाहिए। शास्त्रों के अनुसार यह भी बताया गया है कि तुलसी का पत्ता डालने से ग्रह का पूरा असर नहीं पड़ता है। कहा जाता है कि ग्रहण के दौरान भगवान या फिर अपने इष्ट की आराधना करनी चाहिए। इस दौरान मंदिर का पट खुला होना चाहिए। यह भी कहा गया है कि ग्रहण के बाद स्नान दान करना चाहिए, साथ ही साथ गरीबों को जो है आप दान करें, यह आपके लिए काफ़ी शुभ होने वाला है। तो एक तरह से कह लें कि इस साल यानी कि सबसे पहला जो चंद्र ग्रहण लगना है वह 16 मई को लगने वाला है। इससे पहले देश में सूर्य ग्रहण लगा था, वो भी अप्रैल महीने में। उसके ठीक 15 दिन के बाद देश में चंद्र ग्रहण लग रहा है। बिहार और बिहार से जुड़ी हुई और भी ऐसी खबरों के लिए बने रहें बिहार न्यूज़ के साथ। मुझे दीजिए इजाज़त। धन्यवाद।